आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है दूसरा शमूएल 16वां अध्याय वचन 15 से 23। अबशालोम सब इसराइली लोगों समेत यरूशलेम को आया और उसके संग अहितोपेल भी आया। जब दाऊद का मित्र एरे की हुशे अबशालोम के पास पहुंचा, तब हुशे ने अबशालोम से कहा, राजा चिरंजीव रहे, राजा चिरंजीव रहे। अबशालोम ने उससे कहा, क्या यह तेरी प्रीति है जो तू अपने मित्र से रखता है? तू अपने मित्र के संग क्यों नहीं गया? हुशे ने अबशालोम से कहा, ऐसा नहीं, जिसको यहोवा और वे लोग, क्या वरन सब इसराइली लोग चाहे, उसी का मैं हूँ और उसी के संग मैं रहूँगा। फिर मैं किसकी सेवा करूँ? क्या उसके पुत्र के सामने रहकर सेवा न करूँ? जैसा मैं तेरे पिता के सामने रहकर सेवा करता था, वैसा ही तेरे सामने रहकर सेवा करूंगा। तब अबशालोम ने अहितोपेल से कहा, तुम अपनी सम्मति दो कि क्या करना चाहिए। अहितोपेल ने अबशालोम से कहा, जिन रखेलियों को तेरा पिता भवन की चौकसी करने को छोड़ गया, उनके पास तू जा, और जब सब इसराइल यह सुनेंगे कि अबशालोम का पिता उनसे घिन करता है, तब तेरे सब संगी हिया बांधेंगे। अतः उसके लिए भवन की छत के ऊपर एक तंबू खड़ा किया गया, और अबशालोम समस्त इसराइल की देखते अपने पिता की रखेलियों के पास गया। उन दिनों जो सम्मति अहितोपेल देता था वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। अहितोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबशालोम को जो जो सम्मति देता वह ऐसी ही होती थी।